नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको गोली का उतारा करके दिखाने वाला हूं मेरी धुन से। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि वो उतारा होते हुए देखना चाहते थे क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है और इतने सारे लोगों को फ़ायदा मिला है इससे कि मैं बता नहीं सकता। तो आज मैं आपको वो गोली का उतारा करके दिखाने वाला हूं अपनी धुनी के साथ कि वो कैसे करना है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों ये गोले का उतारा करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो मेरी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी, आप चाहें तो मेरी नॉर्मल धुनी या सुपर स्पेशल प्लैटिनम धुनी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आपको चाहिए गोला नारियल, जो आप देख सकते हैं ये मैंने धुनी निकाल ली है। साथ में आपको चाहिए प्योर देसी घी। तो इसमें हम पहले इस तरीके से मेरी धुनी भरेंगे। मैं अक्सर मन में राम का नाम लेता हूँ जब कोई भी ऐसा शुभ काम करता हूँ, तो आप चाहें तो भगवान का नाम ले सकते हैं जिनको भी आप मानते हैं। तो जैसे मैं इन्हें भर रहा हूँ इस धुनी को, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं आहुति ही भर रहा हूँ ईश्वर के निमित्त। ये मैंने घी डाल दिया, थोड़ी सी मैंने धुनी फिर और डाल दी ताकि जो ये घी और धुनी है आपस में रम जाए। आप देख सकते हैं मैंने एक पहले ही आपके लिए तैयार कर रखा है, तो ये आपने इसमें भर दिया एंड देन अगेन आपने इसमें घी डाल दी। ये आपकी मर्जी है आप कितना डालें, बाकी इसीलिए डाला जाता है ताकि अच्छे से ये जल जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट इसको पूरा भर ही दिया है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट जो ये गोला है इसको धुनी और घी से भर दिया है। तो ये मैंने इसकी लिड है जो काट रखी थी हमने लगा दी एंड अब हम इसे कलावे से बांध देंगे ताकि ये गिरे नहीं। कलावे से आप इसे कैसे ही बांध लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं। बेसिकली हमें ये मेक श्योर करना है कि ये आपस में जुड़े रहें, इसका जो ढक्कन सामने बनाया है ये मैं इसको फंसा देता हूँ। ये आपका जो है ये आपका जो गोला है ये तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहले एक बना रखा है, तो ये आपका रेडी है। अब हम स्टेप टू की तरफ जाएंगे, यानी कि हम इस गोले का उतारा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 7 दफ़ा अपने सर के ऊपर से और हवन कुंड में इसको डालेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रक्रिया की तरफ। तो आप देख सकते हैं हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि हम इसे इस गोले का नारियल का उतारा करने जा रहे हैं जिसमें मेरी धुनी भरी हुई है। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतारा करना है इस तरीके से। आप उतारा करते वक्त जिसको भी इष्ट को मानते हैं उनका नाम लीजिएगा मन ही मन, या फिर बोल के भी ले सकते हैं, या सिंपली गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। ये 7 टाइम्स मैंने उतारा कर लिया है और अब हम अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहे हैं इसको जलाने के लिए। तो आपने अब मैं इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैंने उतारा कर दिया है अपने ऊपर से, तो मैं सिंपली इस गोले को इसमें रख देता हूँ। आप चाहें तो बाहर भी उतारा करके सीधा इस गोले को इसमें डाल सकते हैं और चाहे तो अंदर उतारा करके लाए और बाहर ऐसे अग्नि प्रज्वलित करके तैयार रखें और उसमें गोला डाल दें। ये प्रक्रिया आप अगर अपने जीवन में रोज कर लें एक बारी, तो किसी भी तरीके का भूत प्रेत का संकट है, परेशानी है, हर तरीके की नेगेटिविटी, हर तरीके का भूत जिंद ब्रह्म राक्षस चुड़ैल डाकिनी शाकिनी सब भाग जाएंगे। ये इतनी इफेक्टिव रेमेडी है कि पुराने से पुराने केस ठीक हुए हैं इस रेमेडी से। तो आज ही मेरी धुनी मंगवाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए और इस उतारे को अंजाम दीजिए ताकि आपको अपने जीवन में वो कामयाबी मिले, सफलता मिले और हर तरीके की प्रॉब्लम से आप बचें। ये जीवन में आप अगर उतार लेंगे इसको, अपना लेंगे इस उतारे को,
तो आपकी हमेशा जीत ही जीत होगी। ये उतारा आप रोज भी कर सकते हैं, हफ्ते में दो बार भी कर सकते हैं, पर रोज करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, तो वो आप अपने केस के हिसाब से देखिएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये जल गया है और कम्प्लीटली इसके जो है इसके अंदर की जो पावर है, जो भी नेगेटिविटी थी वो कम्प्लीटली जल गई है। और जो भी प्रेत रोगी के ऊपर से उतारा होकर इसको जलाया जाएगा उसको बहुत विचित्र अनुभव होंगे। बाकायदा कईयों को तो ये भी दिखाई दिया है कि उनके ऊपर जो ऊपरी शक्ति थी वो किस तरीके से भयंकर रूप से जल रही है और घायल हो गई है। तो ये कमाल का उतारा आप करिए, जब ये पूरी तरीके से झुलस के ख़त्म हो जाएगा, ऊपरी शक्ति भी जोखिम वो हो जाएगी, जख्मी हो जाएगी और ये राख बन जाएगा, तब आप इसको डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। और ये कमाल का उतारा आप मेरी किसी भी धुनी के साथ कर सकते हैं, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी या सुपर स्पेशल प्लैटिनम धुनी के साथ करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नॉर्मल धुनी के साथ भी आप कर सकते हैं। ये कहूँगा कि दिनचर्या में एक दिन ज़रूर ये करें, खासकर वो लोग जो प्रेत रोगी हैं, आपको कमाल के चेंजेस मिलेंगे। आप दुनिया जान में गए, आपका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया, पर ये एक ऐसा जो कमाल का इलाज है, एक कमाल का तरीका है जिससे पुराने सारे कष्ट कट जाएंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, ताकि आपको पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जानकारी मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स रोज़ा रोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।